a city which is known for its onions and grapes, but more so also for its wine. But it's a city which is deeply political in nature, because only recently the export ban was lifted on onions. So is that really the most important issue in this city? What about the issues of youth? We'll try and get answers from the politicians who are joining us. अब मैं मंच पर आमंत्रण करूंगी लक्ष्मण साव जी को, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं, दत्ता गायकवाड़ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, आकाश छाजर कांग्रेस से। ये रामकुंड है, ये जो जगह है ये रामकुंड के नाम से मशहूर है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग नासिक में है, और ये भी यकीन किया जाता है और बिलीफ है कि जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो 14 साल में से उन्होंने 2.5 साल नासिक में गुजारा था, और इसलिए ये काफ़ी ख़ास शहर है। तो सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछूंगी, दो लोकसभा क्षेत्र है नासिक और डिंडोरी, नासिक से भाजपा के आप लोगों ने अभी तक तय नहीं किया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, हेमंत गोडसे शिवसेना के यहाँ के सांसद हैं अभी भी, और डिंडोरी से यूनियन मिनिस्टर भारती पवार हैं। प्यास की नगरी है, प्यास का मुद्दा सबसे ज़रूरी है। एक्सपोर्ट बैन आप लोगों ने 20 दिन पहले लिफ्ट किया, तो ये तो बस चुनाव से रिलेटेड है, तो ज़रूर किसान को तो ये समझ में आ ही जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये टेम्पररी है। प्याज की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी आप मुद्दे बोल रहे हैं, सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं है। प्याज की चर्चा आज क्या हो गया, जो निर्यात बंदी थी वो खत्म हो गई, वो ही बताइए ना, वो हो गई ना, वो मुद्दा गया आज से। कैसे गया? कल तक, आज सुबह तक उनका ये मुद्दा था, दोपहर के बाद ये मुद्दा नहीं रहा। चलिए अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेन मुद्दा है जो किसान का मुद्दा है, जो प्याज का मुद्दा है, जो आपने आज उठाया है, आपने बताया बहुत बराबर बताया, रुक जाए प्लीज, कि 20 दिन पहले यहाँ का जो एक्सपोर्ट का बैन था वो उठाना सरकार ने उठाया है, क्योंकि इलेक्शन आगे है। 220 मेट्रिक टन का जो बैन उठाया गुजरात का, और महाराष्ट्र का 90 मेट्रिक टन का उठाया। आज के जो गुजरात स्टेट है, अभी मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री गुजरात के है या देश का रहता है। अगर देश का प्रधानमंत्री होता, जो कुछ देना है वो गुजरात को देते, या उद्योग गुजरात में चले जाते, किसानों की बात हुई वो गुजरात में। मुझे बताएं कि जब आपकी सरकार चल रही थी उनके साथ, तो आपने ये सब कंसर्न्स कितने बार रेस किए थे? 2014 के हम साथ में थे। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी हम जब साथ में थे तो कितने बार सवाल उठाया आपने? हर टाइम उठाया, किसानों की बात हो फिर भी हमने उठाया, हमारे संसद में, उधर संसद भवन में आंदोलन भी किया, प्याज के बारे में भी आंदोलन किया, मगर जो हुकुमशाही है वो सुनने वाला ही नहीं था, इसलिए हमने उनको छोड़ के आलम। दैट्स ऑल फ्रॉम मी एज वी रैप दिस एपिसोड ऑफ द इलेक्शन कार्निवल फ्रॉम नासिक। वी आर हेडिंग टू अनदर सिटी इन महाराष्ट्र। This is a fascinating state, a fascinating battle, ladies and gentlemen, which is playing out. 48 seats in Maharashtra, and we really do not know which way will this state vote. It could very well be the big state which will decide which way will India vote, and in many ways, which party will form the government on 4th of June.